प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर अपनी एक नई क्लास, जिससे पूर्व हमने प्रथम रश्मि कविता पढ़ी थी, अब हम एक कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। यह कविता जो है प्रकृतिवाद और छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। निराला जी छायावाद के प्रमुख स्तंभकारों में से एक है और अपनी इस कविता के अंदर प्रयोगवाद और प्रकृतिवाद दोनों के भाव स्पष्ट रूप से दिखलाई देते हैं। प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, जो ये जो समय था हिंदी साहित्य में, ये समय एक नई कविता, एक नया विचार को प्रकट करने वाला भाव था, क्योंकि उस समय शोषित वर्ग का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, शोषित वर्ग को कुचला जा रहा था, जिसके कारण शोषित वर्ग जो है अपनी जीवन निर्वाह की प्रक्रिया है उसको चलाने में अक्षम था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए छायावादी कवि, या हम यूं भी कह सकते हैं प्रयोगवादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने निराला जी, जिसका नाम है, इन्होंने अपनी रचना रची है बादल। बादलवाद कविता जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी की बहुत ही फेमस कविता है, जिसमें यह भाव स्पष्ट बतलाया गया है कि बादलों के माध्यम से कि किस प्रकार से क्रांति के द्वारा हम एक नए संसार की, एक नई सृष्टि की कल्पना कर सकते हैं। जब क्रांति होगी, जब नए विचार प्रस्फुटित होंगे, तो स्वतः ही हमारा जो आने वाला जो समय है वो वास्तव में एक अच्छा समय होगा। जब तक हम अपनी भावना को आगे प्रस्तुत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो यह सवाल जो है हमें पीछे की ओर धकेलता रहेगा। इसमें चाहे किसान है, मजदूर है, चाहे आम आदमी है, हमें परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन ही आज के वर्तमान युग का एक नया आयाम है। परिवर्तन के द्वारा ही हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, उनका जन्म 1899 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था और मृत्यु जो है 1961 में हुई थी। निराला जी जो है वो प्रमुख रूप से तीनों वाद है, हिंदी साहित्य में तीन वाद है जो मैं बता देता हूं, एक छायावाद, एक प्रयोगवाद और एक है प्रगतिवाद। इन तीनों के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तीनों के अंदर आपको पता है
है कि छायावाद में ज्यादातर जो कविताएं रची गई हिंदी साहित्य के अंदर वो रचनाएं जो थी वो प्रकृति से संबंधित थी, प्रकृति के जो प्रमुख तत्व थे उनसे संबंधित थी। इससे पूर्व हमने जो कविता पढ़ी थी सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि, तो वो छायावाद की कविता है। तो बादला जो कविता है ये छायावाद में भी शामिल है और सूर्यकांत त्रिपाठी है इसको कई जगह प्रयोगवाद में भी शामिल किया है। तो इसको इनको जो है छायावाद, प्रयोगवाद और प्रकृतिवाद तीनों का एक सम्मिश्रण कवि भी माना जाता है। अब बात करते हैं इन प्रमुख रचनाओं की। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें काव्य के अंदर परिमल, अरिमा, अनामिका, तुलसीदास, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। उपन्यासों के अंदर अलका, अक्षरा, काले कारनामे, प्रभावती। कहानी संग्रह के अंदर अपने घर, चतुरी चमार, सखी और लीली, ये इनके कहानी संग्रह है। वैसे बहुत सारी कहानियां लिखी है, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, बहुत सारे काव्य संग्रह हैं इनके, लेकिन मैंने आपको मुख्य रूप से यहाँ पर मुख्य मुख्य जो इनकी जो रचनाएं हैं वो बताई है। आपको इन चीज़ों को याद करना है। वैसे बहुत सारी रचनाएं लिखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस कवि हैं और तीनों युगों के प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और छायावाद इन तीनों। अब जो मैंने क्लाइम किए निराला जी छायावाद के आधार स्तंभ है। छायावाद में आपको बताया सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, ये प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो उनमें छायावाद के सूर्यकांत त्रिपाठी भी है। इनके काव्य में छायावाद, प्रकृतिवाद तथा प्रयोगवाद काव्य की विशेषताएं मिलती है। ये मैंने आपको बता दिया अभी कुछ पद पहले ही कि निराला जी जो है इनकी रचनाएं जो है वो कहीं कहीं जगह छायावाद के अंतर्गत आती है, कहीं कहीं प्रगतिवाद और कहीं कहीं प्रयोगवाद। मतलब कहने का मतलब है इन तीनों प्रकार की रचनाएं लिखी है जो तो उस समय उस कालखंड में अलग अलग भागों में बटी हुई थी और उनको अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने काल के अंदर जो है समाहित किया है। यहाँ पर कवि निराला जी बता रहे हैं कि बादल जो है वो क्रांति दूत है, क्रांति का दूत है, क्रांति का सिपाही है, क्रांति का सेनापति है। बादल के द्वारा ही एक नई क्रांति की शुरुआत की जा सकती है। किस प्रकार से बादल को संबोधित करते हुए इन्होंने एक नया परिवर्तन, एक नई चेतना को जागृत किया है। फिर उन्होंने लगा कि बादल शोषित वर्ग के हितेशी हैं जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। यहां पर इस कविता के अंदर इन्होंने बताया है कि बादल जो है वो जो शोषित वर्ग है उसका तो हितेशी है, उसका साथी है, उसका मित्र है, लेकिन जो पूंजीपति वर्ग जो है उसका वो हितेशी है, उससे वह भयभीत होता है। कैसे? जैसे किसान जो है वो जब अपनी मेहनत करके फसल को बोता है तो उसके लिए जब आसमान में बादल मंडराने लगते हैं तो खुशी से, उस उल्लास से झूमने लगता है, नाचने गाने लगता है, क्योंकि वो उससे खुश होता है तो उसका हितेशी हो गया ना। लेकिन जो पूंजीपति जो वर्ग है वो उससे क्या करता है? घबराता है, क्योंकि हम शहरों में देखते हैं जब बादल अपनी तीव्र उमड़ घुमड़ के द्वारा बरसात कर देते हैं, जब पानी को क्षेत्रों में ला देते हैं तो पूरा ही जल प्लावन हो जाता है, एक बार से आ जाता है, पूंजीपति वर्ग जो है वो समाप्त हो जाता है।
उससे वो क्या करता है, घबराता है। उससे क्या करता है, वो घबराता है। तो कवि ने यहां पर यही बतलाया है कि किस प्रकार से एक पूंजीपति वर्ग के लिए, जो कि यह बादल जो है वो देसी है, और सॉरी शोषित वर्ग का देसी है और पूंजीपति वर्ग का यह हितेशी न होकर के एक तरह से दुश्मन, क्योंकि पूंजीपति वर्ग जो है वो इससे देखकर वो देख करके घबरा। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक नई कल्पना, एक नई चेतना, एक नई क्रांति का प्रकाश करने के लिए भी कवि ने यहां पर बतलाया है कि किस प्रकार से हम समाज के अंदर, देश के अंदर क्रांति ला सकते हैं। बादलों को संबोधित करते हुए वे इन्हें क्रांति रूप मानते हैं और कहते हैं कि बादल के द्वारा ही, बादल विभागों के द्वारा ही हम एक नई चेतना को जागर कर सकते हैं, क्योंकि बादल यहां पर खुशियों का प्रतीक भी है। इसके लिए जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है और जो पूंजीपति वर्ग है, उसके लिए एक दुश्मन की भांति है जो उनके विनाश का प्रतीक भी माना जाता है। कवि ने अपने इस काव्य के अंदर यह भी बताया है कि बादल जो है क्रांति और निर्माण का भी प्रतीक है, कि बादल एक नई सृष्टि का निर्माण करता है, एक नई चेतना का निर्माण करता है और पूंजीपति वर्ग के ऊपर यह बहुत ज्यादा हावी होता है। इस कविता में कवि ने उल्लास, शोक, राग, विराग, उत्थान, पतन, इन सभी की बातें की है कि बादल किसी के लिए उल्लास है, किसी के लिए दुख है, किसी के लिए राग है, किसी के लिए विराग है, किसी के लिए उत्थान है तो किसी के लिए पतन है। तो यहां पर कवि यही बता रहा है कि बादलों के द्वारा जो एक समाज से अछूता जो वर्ग है उसके लिए वह एक राग की तरह है, एक उत्थान की तरह है और एक उल्लास की तरह है। यहां पर इस कविता में यही बतलाया है और कवि यहां पर अपनी इस कविता के द्वारा उन लोगों को भी संबोधित करता है, उन लोगों को भी चेतावनी देता है जो इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति का अंधाधुंध तरीके से दोहन करते हैं, शोषित वर्ग का शोषण करते हैं। उनको भी चेतावनी देता हुआ कवि यहां पर बताता है कि जब ये जल प्लावन की अवस्था में होते हैं तो ये सभी वर्ग जो है, पूंजीपति जो वर्ग है वो भयभीत होने लगते हैं। तो दोनों को संबोधित करते हुए कवि ने यहां पर यही बतलाया है कि वास्तव में बादल जो है वो एक क्रांति का प्रतीक है, एक नई चेतना का प्रतीक है, एक नए संचार का ऐसा तत्व है जो सृष्टि के निर्माण करने में उल्लास में सहायक है। मुझे आशा है कि अब तक जो आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा इसकी मूल भावना क्या है। जब हम इसका प्रश्न करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। परीक्षाओं में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है तो हम अब इस क्वेश्चन को करते हैं। आप सीधा क्वेश्चन लिखिए,
क्वेश्चन लिखें आप, क्वेश्चन लिखें, निराला जी बादलों को क्रांति का अग्रदूत मानते हैं। देखें, निराला जी बादलों को क्रांति का अग्रदूत मानते हैं। कथन की व्याख्या की, एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, दूसरा आप हेडिंग लिखे हैं अथवा करके लिखे प्रश्न, बादल राग कविता की मूल भावना को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। लिख लिया, तो इसमें लिखें, इसमें लिखें हम उत्तर में लिखें, कवि की मैंने परिचय को वैसे ही दे दिया, अब आप सीधा उत्तर लिखें, निराला जी छायावाद के प्रमुख स्तंभकार कहलाते हैं। इनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं मिलती है। जो चीज मैंने आपको बोर्ड पर बता दी कि इनकी जो कविताएं हैं, तीनों ये जो कविताएं हैं वो ज्यादातर तीनों कालों काल खंड के अनुसार अनेक इतिहासकारों ने इसको सम्मिलित किया है, इसलिए इनको तीनों वादों, प्रगतिवाद, छायावाद और जो है प्रयोगवाद, तीनों में सम्मिलित किया हुआ है। आगे लिखें, ये एक और कबीर परंपरा से जुड़े हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। इनका यह विस्तृत काव्य संसार इनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा निराशा के द्वंद्व ऐसे लिखना, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी सीमा में बंद नहीं पाता। इनकी कविता उल्लास, डैश शोक, होमा राग, डैश विराग, होमा उत्थान, डैश प्रथम पतन, उत्थान डैश पतन, कोमा अंधकार, डैश प्रकाश का सजीव मिश्रण है, सजीव मिश्रण है। इन्होंने अपने काव्य में
तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। लिख लिया, आगे लिखे एक नई हेडिंग डाले, कविता का प्रमुख सार, कविता का प्रमुख सार। इसमें अब आपको निरंतर लिखना है तो लिखे इसमें, प्रस्तुत कविता बादलदार अनामिका काव्य से ली गई है, अनामिका काव्य से ली गई है। निरालों को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस, देखो दो विशेषता यहां पर बताई है, एक है सृजन और दूसरी है ध्वंस। सृजन का मतलब निर्माण करना और ध्वंस का मतलब समाप्त हो जाना, पतन हो जाना, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। देखो बादल की बहुत बड़ी विशेषता बताई है कि बादल सृजन भी कर सकता है और ध्वंस भी कर सकता है, पतन भी कर सकता है, यह आपको एकदम अच्छी तरह से पता है। आगे लिखिए कंटिन्यूस रूप में, बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत है, जो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव। बादल निराला जी की प्रसिद्ध कविता है और वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितेशी हैं, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को मिलता है। दबे कुचले का मतलब होता है जो समाज से अलग है, जो पिछड़े हुए हैं, उनको उसका लाभ मिलता है। इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों को हाथ हिला हिला कर बुलाते हैं। देखो कितनी बड़ी कल्पना की है कि इसी कारण किसान के जो खेत है उसमें जो बड़े और छोटे जो पौधे हैं वो हाथ हिला हिला करके बादलों को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में? आगे लिखे, वास्तव में समाज में क्रांति की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक विषमता मिटे। ये जो आर्थिक विषमता है आज के समाज में, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, ये जो दो भेद है, ये भेद कवि ये चाहता है कि मिटना चाहिए। कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। नए पहरे से लिखे, कवि बादलों को देख करके यह कल्पना करता है कि बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते हुए क्षणिक सुखों पर
दुख की छाया है जो संसार या धरती की जलती हुई छाती पर मानो छाया करके उसे शांति प्रदान करने आए हैं। बाल की विनाश लीला रूपी युद्ध भूमि में वे नौका के समान लगते हैं। बादल की गर्जना को सुनकर धरती के अंदर सोए हुए बीज या अंकुर नए जीवन की आशा से अपना सिर ऊंचा उठाकर देखने लगते हैं। देखो यहाँ पर शोषित वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बारे में बताया है कि किस प्रकार से शोषित वर्ग के ऊपर बादल जो है वो भयंकर गर्जायमान अवस्था में है और जो शोषित वर्ग है उसके ऊपर ये अपनी कृपा दृष्टि रख करके बतलाते हैं कि किस प्रकार से वो एक नया जीवनदान देते हैं। आगे लिखे उनमें भी धरती से बाहर आने की आशा जागती है, मतलब जो दबे हुए व्यक्ति हैं जब ऐसी क्रांति होती है ऐसा विचार आता है तो उनके अंदर भी एक नया जोश एक नई उमंग पैदा होती है। हाँ, खेत की भूमि में दबे हुए बीज का मतलब यहां पर यह है कि जो दबा हुआ जो व्यक्ति है दबा हुआ जो शोषित वर्ग है उसके अंदर भी क्या आ जाती है एक नई आशा का संचार हो जाता है, वह भी अपना इस नव निर्माण में अपना योगदान देता है। बादलों की भयंकर गर्जना से संसार हृदय थाम लेता है। आकाश में तैरते बादल ऐसे लगते हैं मानो वज्रपात से सैकड़ों भी धराशायी होंगे और उनके शरीर छत विछत है। उनके शरीर कैसे हैं? छत विछत है, मतलब कहने का मतलब है कि जब बादल वज्रपात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूंजीपति जो वर्ग है वो क्या हो रहा है छत विछत हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं और वह धराशायी हो रहा है। कभी कहता है कि छोटे व हल्के पौधे हिलडुल कर हाथ हिलाते हुए बादलों को बुलाते हैं और कभी बादलों को क्रांति दूत की संज्ञा देता है। बादलों का गर्जन किसानों व मजदूरों को नवनिर्माण की प्रेरणा देता है। बादल जो है जैसे किसान और मजदूर है, जो मैंने आपको पूर्व में बात बताई थी कि किसान और मजदूर है तो वो बादलों को देख करके खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब नया निर्माण होने वाला है, इसी आशा में वो जागृत रहते हैं, इसी आशा के साथ वो अपने कार्य में लीन रहते हैं। क्रांति से सदा आम आदमी को ही फायदा होता है। बादल आतंक के भवन जैसे है जो कीचड़ पर कहर बरसाते हैं, बुराई रूपी कीचड़ के सफाई के लिए बादल प्रलयकारी होते हैं। बुराई रूपी कीचड़ का मतलब है जो पूंजीपति जो वर्ग है जो हमेशा शोषितों का शोषण करते रहते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है बादल प्रलयकारी रूप में गर्जमान होते हैं।
प्रलयकारी रूप में ऊपर टूट पड़ते हैं। छोटे से बादल में उगने वाले कमल सदैव उसके पानी को स्वच्छ व निर्मल बनाते हैं। आम व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न व सुखी रहते हैं और अपनी प्रियतमाओं से निपटने के बावजूद क्रांति की आशंकाओं से कांपते हैं। दोबारा देख लीजिए, एक लाइन छोड़ गई। आम व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न व सुखी रहते हैं, जबकि अमीर व्यक्ति अपनी संपत्ति इकट्ठी करने के बावजूद भी असंतुष्ट रहते हैं और अपनी प्रियतमाओं से निपटने के बावजूद क्रांति की आशंका से कांपते हैं। कवि का कहने का मतलब यह है, जब क्रांति होती है तो वो शोषित वर्ग के लिए हमेशा एक नया निर्माण होता है। शोषित वर्ग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और वो चाहता है कि क्रांति हो, नया निर्माण हो, जबकि पूंजीपति जो वर्ग है, जिसने अपार संपत्ति इकट्ठा कर ली है, और वह नहीं चाहता है कि ये क्रांति, क्योंकि उसे पता है कि जब क्रांति का बिजुल बजेगा तो उसमें मेरा विनाश होना तय है, मेरा पतन होना तय है। इसलिए पूंजीपति जो वर्ग है वो उस क्रांति से घबराते हैं, डरते हैं, वो क्रांति को होना नहीं चाहते। मतलब कहने का मतलब, समाज में एक नई चेतना को जागृत नहीं होने दे, वो बदलाव नहीं होने दे, वो यही चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। इस शोषित वर्ग का हमेशा ही शोषण होता रहे, इसलिए वो इस क्रांति से घबराते हैं। उन्हें पता है कि जब ये क्रांति होगी तो हमारा पतन निश्चित है, हमारा अंत होना एक सत्य है, इसलिए वो क्रांति से घबराते हैं। आगे लिखें, कवि कहता है कि कमजोर शरीर वाले कृषक बातों को अधीर होकर बुलाते हैं। कमजोर शरीर वाले मतलब शोषित वर्ग, यहां पर कहने वाले वो बड़े ही अधीर होकर के, शांतमंद होकर के उनको बुलाते हैं, चाहते हैं कि वो आए और एक नया शरीर आए, एक नई क्रांति को लाए, ताकि जीवन में एक नया सुधार हो, जीवन में एक नया उल्लास हो। क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उनका अत्यधिक शोषण किया है। तब यही तो कहना चाह रहा है कि शोषित वर्ग यही चाहता है कि क्रांति हो, एक नई चेतना हो। जो एक लीक चल रही है, जो एक परंपरा चल रही है, यह परंपरा मिटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन पूंजीपति वर्ग के व्यक्तियों ने इनका हमेशा से ही क्या किया है, शोषण किया। तो ये जो परंपरा कई वर्षों से चली आती रही है, वह यह परंपरा मिटनी चाहिए। आगे कवि लिखता है, वे सिर्फ जिंदा है, बादल ही क्रांति करके शोषण को समाप्त कर सकता है। कवि का यहां पर कहने का मतलब यह है कि वो केवल जिंदा ही है। जिंदा होने का मतलब यहां पर यह है कि बस वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई उल्लास नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई नई चेतना नहीं है, कोई खुशी नहीं है, बस जीवन को काट रहे हैं। और शोषित वर्ग इन्हीं बातों के द्वारा
कहना चाहते हैं कि आप आओ, अपना प्रभाव दिखलाओ, और ये जो समाज में चले आ रही जो परंपरा है वह परंपरा अब मिटनी चाहिए, अब उसमें परिवर्तन होना चाहिए, ताकि शोषित वर्ग भी अपना जीवन अच्छी खुशी से, उल्लास से, प्रेम रूप में जी सके। आया समझ में? तो ये हो गया अपना यहाँ पर ये क्वेश्चन। वादागार कविता जो थी निराला जी की, इसमें आपको बताया कि किस प्रकार शोषित वर्ग जो है वो अपना नया परिवर्तन चाहता है, और इतने वर्षों से ही शोषण का शिकार हुआ है, अब वो शोषण नहीं चाहता, अब वह परिवर्तन चाहता है। तो ये आशा है कि आपको ये कविता बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ आज की हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल नई क्लास नई उमंग के साथ एक नए विषय के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत